R is equal to 1. NCR EN minus R. एक और इसका फॉर्मूला वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो उसमें क्वेश्चन क्या अ पर्सन राइट्स लेटर्स टू फाइव फ्रेंड्स A person writes letters to five friends. Okay. And addresses the corresponding envelopes. And addresses the corresponding envelopes. In how many ways can the letters be placed? In how many ways can the letters be placed in the envelopes? So that can the letters be placed in the envelopes? Can the letters be placed in envelopes so that first point is two points so that first point all letters are in the wrong envelopes. All letters are in the wrong envelopes. All letters are in the wrong envelopes. Second level. At least three of them are in the wrong envelopes. At least three of them are in the wrong envelopes. That line you want to अरे अगर तीन रॉन्ग मिल जाए तो दो करेक्ट मिल जाएगा टू राइट थ्री रॉन्ग प्लस वन राइट एक राइट और जीरो राइट और
तो टू राइट मतलब पांच में से कोई भी दो राइट में मिल सकता है ना, तो फाइव सी टू इंटू वन भेजने का वन, और डीएलिमेंट ऑफ थ्री थिंग्स इंटू टू ऐसे करना किया तो था फर्स्ट क्लास है ना, ये फाइव सी वन इंटू डीएलिमेंट ऑफ ये वन क्यों लिख रहा हूँ राइट बीच को और इंटू नाइन प्लस डीएलिमेंट ऑफ फाइव थिंग्स लास्ट टॉपिक एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, ठीक है। एक टॉपिक रह जा रहा है वो बाइनोमियल के बाद होगा जो मैं बता चुका हूँ, मल्टीनोमियल के, लेकिन मल्टीनोमियल के कई क्वेश्चन तो मैं डेटा स्ट्रक्चर से भी होंगे, कुछ बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन जैसे हो सकते हैं जो स्पेशली मल्टीनोमियल से तुम्हें करना पड़े, पर जनरली तुम्हें बेगर्स मेथड से हो जाता है वो मल्टीनोमियल, ऐसे हम लोग पूरे टॉपिक्स कवर कर कुछ भी नहीं रहा इसमें, ठीक है। डिग्री भी सारी हो गई, हाँ सब हो गया, मॉड्यूल कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल में मैंने देखा बाइनोमियल टाइप के क्वेश्चन थे वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे जैसे 7 टू द पावर 0.21 ऐसा कुछ तो आया गया प्लस 1 to 1 फैक्टोरियल इसका यूनिट प्लेस बता दे लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा बता सकते 0.21 फैक्टोरियल का लास्ट डिजिट क्या होगा, फालतू बात कर वो देख के मैं नहीं बताया क्या होता है उसके बाद उससे बड़ा करोगे तो जीरो तो रहेगा ना, 8 फैक्टोरियल में भी जीरो रहेगा, मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, 7 factorial into 8 तो 0 तो रहेंगे, तो 9 factorial into 8 तो 0 तो रहेंगे, तो कुछ भी कितना भी बड़ा factorial करो तो लास्ट में तो 0 रहने वाला है, है ना? बचा ये सॉल्व करना, ये बाइनोमियल में देखेंगे हम लोग, क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में पीएनसी नहीं दिया होगा, इसको इसका एक बता देता हूँ कि जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है 2022 में एक क्वेश्चन आया था, हाँ 3:2020 ठीक है, इसका यूनिट प्लेस में क्या इस पर एक्सपेंड कर तो उसको कैसे करना भाई, साइलेंट कर दो कुछ कर दो लैंडलाइन रुको देखो कैसे करें, इसमें तुम्हें देखना है कि ट्रेंड कैसा है, 3 to the power 1 करोगे तो 3 आएगी, 3 स्क्वायर करोगे तो 9, 3 स्क्वायर करोगे तो 27, तो यूनिट प्लेस का होगा 7, 3 to the power 4 करोगे
इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन अब इसी को और बड़ा सकते हो, लेकिन अब वो वेन डायग्राम पे तो
पागल जॉब समझ गए। तो ऐसा राइट टाइम समझो कि पहले ये एक एक वाले ऐड कर रहे, फिर दो वाले जो है वो सबट्रैक्ट कर रहे, फिर तीन वाले ऐड कर रहे, फिर उसके बाद चार वाले सबट्रैक्ट कर रहे, फिर पांच वाले ऐड सबट्रैक्ट ऐड सबट्रैक्ट कर रहे। एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है, एक बार इंक्लूड कर रहा, इसको इंक्लूड कर दिया पूरे को, उसके बाद फिर एक्सक्लूड, फिर इंक्लूड किया, फिर एक्सक्लूड। इसलिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन या एक्सक्लूजन इंक्लूजन। तो अगर चार टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा। देखो मैं समेशन ऑफ एन ए लिख देता हूँ। मैं समेशन ऑफ एन ए का मतलब जितने भी टर्म्स रहेंगे उसका एक एक का, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। अगर यहाँ पे पांच टर्म हुआ तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी प्लस एन ई, अपने आप ये बाय डिफॉल्ट उतना ही बता रहे थे, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन, खाली ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दो दो के पेयर जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके साथ। अगर पांच टर्म है तो दो दो के कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं, फाइव सी टू हो सकता है ना, फाइव सी टू, जैसे इसमें फोर सी टू, छह टर्म्स ऐसे हो सकते ए बी ए सी ए डी डी सी बी डी और सी डी, छह टर्म्स, फोर सी टू मतलब तो कॉम्बिनेशन जानते हो तो तुरंत निकाल सकते हैं। पांच टर्म होते तो उसमें कितने टर्म्स आते, फाइव सी टू, ठीक है, मतलब टेन टर्म्स आते। तो दस बार, दस बार लिखने से अच्छा डायरेक्टली ये लिखा, फिर उसके बाद प्लस माइनस समेशन एक ही टर्म आएगा, फिर भी लिख देते समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। Thank you.
जेंडर नॉलेज की थोड़ा जैसे तीन टर्म्स है इसमें ये चार टर्म्स आते ऐसे, तो चार टर्म्स की जगह हम लोगों ने डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में वो पढ़ा है समेशन tan a = कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ tan a। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होता नहीं तो प्लस माइनस है ना, या तो अभी तो मैं वेन डायग्राम से समझने दिक्कत है कि ये इसी से समझो ना कि ये ऊपर प्लस को तो इधर भी प्लस, पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। एक बार देखो वेन डायग्राम बनाएंगे, चार में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी बन रही है। How many words can be formed? How many words can be formed? Using all the letters of the word. Using all the letters of the word. If no two alike letters are together, इस
लेकिन उसके बाद मतलब बहुत सारी चीजें वर्ल्ड बदल गया, वर्ल्ड बदल गया, सब पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया उसके बाद, तो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मतलब है। 96/11 के बाद भी फिर बहुत चीजें वो तो पूरा वर्ल्ड ही बदल
इसको करने की कोशिश करोगे तो डायरेक्ट ये तो मैं क्लिक नहीं करने वाला, तुम शायद ये हटाओगे डायरेक्टली या तो फिर ये हटाओगे डायरेक्ट, है ना। पर तुम्हें एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि हमें सारे केसेस हटा, पर जब सारे केस हटाने जाओगे तो अगर तुम ओ ओ एल एल अलग अलग हटाए तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये दो बार हटे, इसलिए हम उसको ऐड करें। और वही सेम रीजन है कि ये फिर तो ये तीन बार हो गया तो इसलिए तुम उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है, ठीक है, वो सेम रीजन है। अब कैसे करते हैं इसको, इसको टोटल कैसे आएगा, पूरा कितना लिखा है, मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक, अलग से लिखा।5040 divided by 4 कितना
और ऐसा देखो ना इधर जब ये वाला जो केस इसमें ये समझो कि इसमें H L U L L U O इसमें ये दोनों साथ में इसके जब अरेंजमेंट कर रहे हो तब ऐसा भी तो हो रहा है L L साथ में आ जा रहा है L L के साथ वाले केस भी इसमें कई कई सारे इसमें तो गिन चुके हो ये बात समझ में आ रहा है और इसमें भी H O U L O U L इसमें भी एल एल के साथ वाले केस के लिए ना तो वो भी तो केस हमें हटाना है इसमें जो तुमने एल एल के साथ वाले केस गिने वो भी इसमें से हटाना है ना तो ये जब एल एल ऐसे स्विच करेगा तो वो भी उसमें से हट जाए ठीक है अब इसी में हम लोग डीआईए इवेंट का एक और फॉर्मूला देखते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है
अगर जेई में नहीं तो जो तुम अदर एग्जाम उसमें डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका रियरिंगमेंट का जो फॉर्मूला एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो मैंने लिखा चुका हूँ, एक और फॉर्मूला होता है वो हम लोग डिराइव करेंगे एक्सक्लूजन इंक्लूजन से, और उससे तो मैं फिर एक्सक्लूजन इंक्लूजन का भी अप्रोच और क्लियर हो। ठीक है, मतलब n लेटर्स और n एनवेलप्स पिछली बार हमने कैसे कैसे क्या किया था, वो रियरेंजमेंट डी एन निकालने के अंदर हम लोग को याद है डी एन निकालने के लिए क्या टोटल 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 से हम लोग को टोटल का एन तक हो गया था, तो टोटल से हमने माइनस किया था वन राइट और बाकी सब रॉन्ग, तो रियरेंजमेंट ऑफ एन माइनस वन फिर दो राइट एन माइनस टू यही किया था। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले, पहले तो टोटल लिख दिया टोटल माइनस, अभी एक को तुम सही पोजीशन में पुट करो, ठीक है, एक को तुम सही पोजीशन में पुट करो मतलब एनसी वन, और बाकी सब कहीं पे हो सकता है, कहीं पे सही भी हो सकता है गलत भी, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब ये वाला सही में चलेगा बाकी सब कहीं पे चलेगा, तो बाकी कितने लेटर्स बचे एन माइनस वन, और वो एन माइनस वन केसेस में चले गए उनके क्या हो, अगर चार लेटर से चार एनवेलप है तो क्या होता है टोटल अरेंजमेंट क्या होता है, फोर फैक्टोरियल ना, फोर एन टोटल का एन फैक्टोरियल इसलिए लिख रहे थे ना, फोर फैक्टोरियल इसमें एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है इसमें एन माइनस वन फैक्टोरियल, अब इसमें एक्सक्लूजन इंक्लूजन से तो ऐड कर रहे हो, क्यों करना पड़ रहा है इसमें प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक कोई सही में चले गया मतलब एक और कोई, एक तो गया ही है, एक और कोई सही में चले गया या तो एक और कोई सही में चले गए, ठीक है, तो इसलिए उसको माइनस करेंगे, तो प्लस एन सी टू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है, अब माइनस, अब फिर से मुझे माइनस की करना पड़ेगा, एक्चुअली अगर ब्रैकेट यूज करता तो ऐड करना पड़ता है, बाकी कैसे भी प्लेस कर, हो सकता है कि L2 E2 भी सही जगह प्लेस हो गया तो वो वाला केस हम लोग ने माइनस कर उसमें से, ठीक है, तो हाँ दो बार माइनस हो गया, एक्स्ट्रा माइनस, एक्स्ट्रा क्या माइनस हो गया, मुझे कोई एग्जांपल दो, एग्जांपल
इसलिए तो मैं तो अभी रुक इसको भी तो ब्रैकेट में ना भी इसमें और ज्यादा प्रॉब्लम टोटल में से मुझे ये वाला केस माइनस करना था कि एक बार सही एक एक सही करना चाहिए सिर्फ एक को ही सही करना चाहिए मतलब L1 या तो L1 given में गया होगा या तो L2 E2 में गया होगा ऐसा कोई भी एक सही करना चाहिए मान लो ये L1 E1 में गया ये हटा दो फिर L factorial कर ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक और सही करना चाहिए ठीक है तो वो वाला केस भी मुझे हटा रहा है ठीक है इसलिए उसके उसका मैंने उसको मैंने प्लस इसको माइनस किया तो वो मैंने वापस प्लस अब दो बार हमने वही चीज सेम चीज गिन ली इसलिए वापस वापस माइनस करो कैसे चलता है ठीक है माइनस एन सी थ्री एन माइनस थ्री प्लस ऐसे करके जाता है लास्ट में क्या आएगा बता दो लास्ट में क्या आएगा एनसीएस और फिर कुछ नहीं आएगा और साइन क्या आएगा क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है जब ये ऑड रहा है तो माइनस होता है और माइनस वन टू द पावर एन होता है माइनस वन टू द पावर एन होता है ठीक है अब मैं इसको लिखता हूँ ये हो जाएगा एन फैक्ट हो गया एन एन सी मान क्या होता है एन एन इंटू एन माइनस वन n c 2 का होता है n into n minus 1 upon 2 factorial n minus 2 factorial फिर n c 3 क्या होता है n into n minus 2 upon 3 factorial n minus 3 factorial ऐसे बस डन अब अगर एक चीज तुम ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में देखो n फैक्टोरियल ही बन रहा है देखो ये n फैक्टोरियल है n into n minus 1 ये n फैक्टोरियल हो गया n into n minus 1 into n minus 2 फिर से ये n फैक्टोरियल हो गया ये भी n फैक्टोरियल हो गया तो सबसे n फैक्टोरियल कॉमन क्या बचेगा n फैक्टोरियल कॉमन यहां पे आ जाएगा 1 यहां पे आ जाएगा 1 आएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखता हूं 1 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus derivative last में क्या आने वाला है minus 1 to the power n 1 upon n factorial हाँ क्योंकि वहां से n common हो तो n factorial divided ठीक तो ये formula है तुम्हारा ये कई बार direct आता है ठीक देख लो उसको फिर मैं बता रहा हूँ जैसे यही है ना यहाँ पे नीचे n बन रहा है
जैसे इसके सामने माइनस आ रहा है, इसके सामने प्लस आ रहा है ना, इसके सामने माइनस आ रहा है, तो एन यहाँ पे माइनस वन टू तो पार अगर एन लिख देता हूँ वो अपने आप जैसे, तो यहाँ हमेशा नेगेटिव ऑड आएगा तो नेगेटिव देगा और अगर इवन आएगा तो पॉजिटिव। देखो इसमें क्या हो रहा है, फिर से टोटल मतलब कैसा भी अरेंजमेंट, ये सब ध्यान नहीं रखना ठीक है, कैसा भी अरेंजमेंट हो फिर उसमें से हम लोगों को क्या माइनस करना है, सही करना चाहिए, एक एक करके माइनस करना। एल मान लो कि ये एन सी वन मतलब कोई भी इसमें से कोई एक सही करना चाहिए, मान लेते एन वन ई वन में चाहिए, बाकी सब कोई भी कैसे भी चाहिए। इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि एन टू ई टू सही करना चलेगा, जब हम सही वाले जो जिसमें सही में चला गया वो केसेस को सबट्रैक्ट करते हैं, सारे के सारे पॉसिबिलिटी सबट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे इससे लास्ट तो प्रॉब्लम वही है ना। वो चीजें भी माइनस कर दी ना, जैसे मतलब मतलब फिर तुम्हारे हिसाब से तुम बोल रहे हो कि सिर्फ यहाँ तक खत्म हो जाता है, यहाँ तक खत्म हो जाता है
लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि पहले वाले केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों आ गए, है ना, और दूसरे वाले केस में भी ये तो ऑलरेडी फिक्स है और ये भी आ गया, तीनों वापस से क्लैरिटी होनी चाहिए। प्लस माइनस हो रहा है तो फिर उसको आगे बढ़ा सकते हो, पर वो चीज समझना समझ में आनी चाहिए। तो to distribute 10 different books, 10 different books between three students such that each one gets at least one book, identical में हमेशा better है। अगर identical नहीं होता तब हम लोग use करते हैं grouping। लेकिन problem यहाँ पे क्या है? इसमें groups कैसे बनेंगे? बहुत सारे groups possible है ना? 10 में तो फिर भी तुम निकाल सकते हो। 8 9 group बनेगा तो भी निकाल सकते हो। तो सही आंसर है। 100 book हो जाता तो ठीक। इसमें थोड़ा सा तुम्हें different approach करना पड़ेगा। Exclusion inclusion करना। पर कैसे करोगे? मतलब हमारे पास अच्छा नॉर्मली हमें 10 बुक अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तीन लोगों, कोई कंडीशन नहीं होता, तब क्या करते? डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तुम्हें 10 बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 बुक डिस्ट्रीब्यूट करना ही तीन स्टूडेंट्स, तो 10 में से 3 ही तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 10 के 10 नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? एक एक करके नहीं गिन रहे। अगर ये नहीं दिया होता कि each get at least one, अभी के वो बाद में हम करेंगे, sorry, अगर ये रहता कि 10 book में distribute करना है तीन लोग, और 10 distribute करना ही करना, तब क्या करें? तो identical होना चाहिए ना books, identical होता तो pairs में produce कर सकते, तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती है। डिस्कस कर रहे हैं सीधे करते थे 10 + 3 - 1 सी 3 - 1 पूरा बीएनसी के बाद तो ये अगर 10 लेटर्स होते और 5 लेटर बॉक्स है और तुम्हें 10 के 10 को तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब 10 के 10 को तुम्हें पोस्ट करना है, क्या करते हो? 10 letters है और 5 letter box,
और तुम्हें 10 टेबल्स को पोस्ट करने ही करना है। 5:5, 10:8। अब तुम लोग थोड़ा सही डायरेक्शन में सोचो, पहले गलत बोल रहे थे लेकिन डायरेक्शन लेस, अभी भी गलत ही बोल रहे हो लेकिन तुम लोग डायरेक्शन में आ रहे हो। कम से कम 10 लेटर्स और 5 लेटर मार्क्स, 5:3 क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रेंट क्या, तीन बॉक्स बनना है तो पावर में क्या जा रहा है, कंस्ट्रेंट जा रहा है तो पावर में, इसमें कंस्ट्रेंट क्या है, लेटर्स हमें लेटर्स पोस्ट करना है पावर में क्या जा रहा है। अगर जब मैं बोल स्टैक करेगा तो ये एग्जांपल दे, ये एग्जांपल देखो तो तुरंत हमें एक क्लिक करेगा, पर ये समझ में आता है कि ये एग्जांपल जैसे ये जो मैं अभी क्वेश्चन को पूछ रहा हूं वही है ना, कि अगर तुम्हारे पास 10 डिफरेंट बुक्स है और तीन स्टूडेंट्स को मिल जाए, हाँ, पर 3:10 में एक प्रॉब्लम है कि कोई भी कितना भी ले सकता है, एटलीस्ट वन नहीं मिल रहा, उसमें तो तुम्हें माइनस कर, ये बात सब 3:10 समझ में आ गया, ठीक है, पहले तो 3:10 समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, तो तुमने उसको बैक ट्रैक किया था, जैसे 5 लेटर्स और वो तो हमेशा, मैं देखो मेरे को भी याद नहीं था कौन सा पावर मिल जाए, तो मैं सही में मिली, मतलब मुझे जैसे 3-4 महीने बाद क्वेश्चन पूछो मैं थोड़ा ना, तो मुझे याद थोड़ा रहेगा, लेकिन ये तो मुझे याद रहेगा ना कि तीन मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, उसमें 5 लेटर्स है, उसमें 5 कंस्ट्रेंट क्या है, बॉक्स फिल्टर, तो जो कंस्ट्रेंट रहता है वो पावर में चले जाता है, चीजों को सिंपल रखना होती है इसमें। अच्छा इसमें 3 स्टूडेंट्स है, जैसे एक बुक है, ये लॉजिक समझो, एक बुक है तो वो तीनों में से किसी के पास नहीं जा सकता, इसलिए 3 to the power 10, एक बुक है तीनों में से किसी के पास नहीं जा सकता इसलिए 3 to the power 10, राइट। अब उसी को हमें सबट्रैक्ट कर तो रिक्वायर्ड यूज हो जाए, क्या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा सोचो, एक केस वाला कैसे सबट्रैक्ट करोगे, दो केस वाला कैसे सबट्रैक्ट करोगे, मतलब ऐसे होगा ना, टोटल टोटल माइनस समेशन ऑफ ए, मतलब ए ए मतलब एक, जब एक एक के पास 0 0 है, ठीक है, वो मैं एन ए लिख देता हूँ, फिर प्लस माइनस कर दिया तो प्लस, समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो के पास 0, फिर माइनस समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। अच्छा टोटल अभी हमने निकाल लिया 3 to the power 10 माइनस, अब एक के पास अगर 0 है तब वो कैसे करेंगे, एक के पास 0 होता है 3c1, इसके पास एक भी नहीं, इनटू ये अब दो बचे ना, जैसे इसके पास 0 चाहिए y, इसके पास 0 चाहिए, अब दो दो लोग हैं और 10 बुक है तो क्या 10c2, अब 2:10 ना, सेम लो जैसे 3 to the power 10 क्या वैसे 2 to the power 10 ये हो जाएगा 2 to the power, ठीक है। अब इसमें 3c2 दो के पास ही, फिर 1 to the power 10,
मतलब भाई एक के पास सब चले जाएंगे ऑब्वियसली, दो के पास जीरो रहेगा, एक के पास सब चले, ठीक है। माइनस ये वाला केस है, ग्रेटर देन ऑपरेटर में ये वाला केस है, किसी के पास जीरो चल रहा है, ऐसा केस ही नहीं है ना, ऐसा केस ही नहीं है, तो ये तो जीरो है, ये बात समझ में आ गई, ये तुम्हारा आंसर है। वो तो डी अरेंजमेंट है, दूसरा फॉर्म ये समझना है, ग्रुपिंग से भी होगा ये, लेकिन ग्रुपिंग में बड़े नंबर आ जाते तो प्रॉब्लम है, जैसे 10 आए, 10 में भी एक बार हो जाएगा, हाँ मतलब तुम पर ग्रुप करेंगे 7-8 नॉर्मल, तो जैसे 0 मतलब 1-1-9 ठीक है, 1-2-7 मतलब यहाँ प्लस 2 कर रहे, मतलब अभी तुम ये समझो टोटल तो आ गया, जब जब टोटल में मैं ब्रैकेट यूज करूँ, माइनस ब्रैकेट यूज करूँ, पहले वाला वो वाला केस हटा दिया जिसमें एक के पास जीरो, अब एक इसके पास जीरो गया तो यहाँ पे आ जाएगा पी सी वन टू टू द पार्ट, टू टू द पार्ट का मतलब क्या है कि इन दोनों के पास सारे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास जीरो गया इसके पास 10, ये भी तो एक केस है, तो वो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि एक वाले में तो नहीं आ रही है, वो मुझे हटाना पड़ेगा, हाँ वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 3C2 वन टू दो पार्ट है, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तेरा प्लस समझे, तो एक्चुअली निकाल करने लगता हम लोग वो सोच नहीं पाते क्योंकि 3C1 टू दो पार्ट 10 में भी ये इंक्लूडेड है, और तो वो वाला केस मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि वो बार बार कर लिया, क्योंकि 3C1 में देखो क्या हो रहा है, ये समझ गया फिर से समझना, 3C1 में एक हमने फिक्स कर दिया कि एक जीरो है, फॉर एग्जाम्पल S1, S2, S3 में इसको फिक्स करके इसके पास जीरो, बाकी दोनों इसमें डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, तो इसमें एक केस ऐसा है कि मान लो इसके पास जीरो है, इसमें 10 आ गया, चलो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी तो हमें हटाना ही था ना, लेकिन 3C1 का मतलब ये वाला फिक्स वाला, 3C1 का मतलब ये ना इन जीरो में से किसी के पास भी फिक्स वाला जीरो चले, तो अगर ऐसा हो गया कि फिक्स वाला जीरो इसके पास आ, और यहाँ पे ऐसा केस बन गया जीरो में दो बार नहीं गिन लिया, ये बात समझ में आ रही है, दो बार सेम चीज गिन ली, इसलिए एक बार मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ये चीज समझ में आ रही है क्लियर, यहाँ से क्लियरिटी आनी चाहिए, क्योंकि 3C1 का मतलब ही है इसके पास एक बार फिक्स जीरो आ रहा है, या तो इसके पास या तो इसके पास, तो अगर इसके पास फिक्स जीरो आ गया तो इन दोनों के पास पूरे 10 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है इसके पास 10 आ गया इसके पास जीरो आ गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दो जीरो वाला केस भी हम हटा देंगे, पर 3C1 के कारण अगर फिक्स जीरो इसके पास आ गया और यहाँ पे जीरो यहाँ पे 10 आ गया, तो दो केस रिपीट सेम केस हमने सबट्रैक्ट कर दिया ना, इसलिए मुझे वो ऐड करना पड़ा, मतलब उधर ऐड करना पड़ रहा है, इधर सबट्रैक्ट करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जो कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो कि हमने क्वेश्चन किया था स्मॉल का है, निकाला था स्मॉल का डिक्शनरी में, पर इससे हम लोग ने कन्वेंशनल मेथड से निकाला था, क्योंकि रिपीटिंग लेटर का मैंने शायद ट्रिक नहीं बताया, रिपीटिंग लेटर का ट्रिक नहीं बताया, तो वो नॉर्मल का बताया था, मतलब जैसे इसका बताया ट्रिक का कैसे बताया था, टी के साइड अल्फाबेटिकली इसके पहले कितने लेटर्स आते हैं, फिर उसके बाद बाय आते हैं, अभी बताओ सारे आए फोर, इसके नहीं आ रहा, जीरो फैक्टोरियल 4×4 factorial कितना होगा, 24×4 96 plus 18 plus 2 ये तो 0 0 रहेगा, लास्ट में 10 1 करना पड़ता है याद है, तो ये ऐड हो जाएगा 1 1 7 1 1 7 या
अब अगर रिपीट कर रहे हैं तो कभी कभी ये कभी रिसेंटली भी क्वेश्चन रिपीटिंग डेटा में डिक्शनरी का 22 में भी क्वेश्चन आया था जी पे, तो रिपीटिंग डेटा में टाइम बहुत लग सकता है अगर तुम कन्वेंशनल मेथड से करो तो ट्रिक्स और जल्दी हो जाए। मैं एक बार ट्रिक भी बता देता हूँ तुम लोगों को कि जैसे सीक्रेट, ठीक है, तो एस के किस टाइम अल्फाबेटिकली कितने रिपीटिंग में आ रहे हैं उसको काउंट करना, दो बार काउंट करो, ठीक है, कौन से कौन से, टी बस नहीं है तो चार, चार, ठीक है। अब एस के पास कितने रिपीटिंग लेटर है, तो डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसे ही करते हैं फैक्टोरियल। अब ई में भी डिवाइड, ई तक तो मैं डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल करता हूं, इसके बाद देखा ई को इंक्लूड करोगे तो ई के इस साइड ई को मैं काउंट करता हूं उससे पहले वाले, बस एक किया तो 1/2 फैक्टोरियल। अब सी के साइड एक भी नहीं, आर के साइड इसके जीरो, थ्री हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, वो ई के अंदर हमने टू फैक्टोरियल दबाए चला आ हुए क्या ई पे भी दो, ई पे तक भी तो मैं काउंट करता हूं क्योंकि ई पे सेट भी दो आ रहा है, वहां तक बस काउंट करता हूं, उसके बाद एस के सेट दो आ ही रहे साफ साफ, मतलब तुम्हें बस देखना दो आ रहे कि नहीं, उससे पहले आ रहे कि नहीं, अल्फाबेटिकली उससे पहले है नहीं है उससे मतलब, अगर एस के राइट साइड पे अगर दो आ रहे हैं तो डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, मतलब देखो ट्रिक था जो प्रॉब्लम है तो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कन्वेंशनल मेथड है उसमें तो कोई प्रॉब्लम, हाँ हो जाता है, लेकिन जैसे बड़े क्वेश्चन है तो टाइम नहीं रहता ना हमारे पास, प्रॉब्लम है कि ठीक है, तो रिपीटिंग है ना, एस के साइड पे तो दो रिपीट हो रहा है, ई पे भी दो रिपीट हो रहा है, ई को भी काउंट करो इस साइड भी दो, पास तीन है तब और ई बार है सी पे भी दो, मतलब समझ रहे हो टी ई आर एक्स सी ई ई सी ई आर ई आर हां करते हैं यहां पे करते हैं करते हैं तीनों में चार में चार करते हैं और करते हैं सर अगर ये जो है मैन ये आया था 22 निकालो उसको, ये 22 का क्वेश्चन है, आज निकालेंगे एंटर क्यों करो, एंटर ये स्मॉल का ये आया 2020 में और ये आया था 2022 में, ठीक है, और एक लास्ट इसमें तुम्हें करना है वो कर बस कर कहाँ तक रिपीट हो एन के साइड दो रिपीट, ए के साइड दो रिपीट सर, एन तक दो रिपीट, उसके बाद आई के साइड रिपीट नहीं हो, एन के साइड जो जो है वो तुम्हें गिनना पड़ेगा, एन मतलब जैसे इस एस के साइड ई दो बार आ रहा है तो गिनना है, ई ई के साइड में गिनना क्योंकि वो सेम लेटर है ना, सेम उससे पहले वाले, यही कंफ्यूजन होगा इससे।
सर हिंदी का
ओके पहले सभी अभी जा अभी सर सर दोबारा तो दो जब चीज पीछे चलते हैं सर ठीक अच्छा करना पड़ेगा वो डीपीपी जो है वो सॉल्व करना है ना मॉड्यूल भी सॉल्व करना पुश डीपीपी सॉल्व करना बहुत अच्छी डीपीपी और अगर तुम्हें एडवांस डीपीपी चाहिए तो और भी देखो ऐसी घूम रही ठीक है सही नहीं बताया फिर आप यहाँ पे थ्री है तो 4 into 3 minus 1 11 हो जाएगा
दूसरा पेज पढ़ा, मुझे पता है कि कौन सा पेज पढ़ा है, अगर दूसरा पेज पढ़ा तो वो भी ऐसे होगा 4K2-1 ऐसे करके डायरेक्ट 4K(n-1) जितने भी पेज अगर तुम सॉल्व करोगे तो वो किस उसका सम क्या होना चाहिए 1-0, 1-0 ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ उसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले तो 4 कॉमन ले लेता हूँ इनमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा K1+K2+(n), और ये माइनस 1+1+1 क्या हुआ n, ठीक है। ये n ही तो मैं बता रहा है नंबर ऑफ टोन पेजेस, ये एक पेज दो पेज वाला तीन पेज वाला, तो ये 1-1-1 जो है यही तो मैं बता रहा है नंबर ऑफ टोन पेजेस, ये समझ में आ रहा है नंबर ऑफ टोन पेजेस या नंबर ऑफ टोन पेपर्स अगर दो को मिला के, हाँ तो वही ना पेजेस, जो जितने पेजेस पढ़ रहे हो वही बता रहा है ना कि दो बार है, तो नंबर ऑफ टोन पेपर्स बोलो पेजेस बोलो एक वो सेम ही है, एक दो नहीं गिनना एक ही गिनना, हाँ। तो ये धर गया, इसको मैं कुछ कैपिटल के लिख देता हूँ, इधर जाएगा 1-0-1+n/4 ठीक है। तो ये जो k है ये k भी नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, कि एक पढ़ा दो पढ़ा तीन पढ़ा ऐसे 10 बड़ा 10.5 नहीं पढ़ सकते, तो ये लॉजिक इसमें है कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो ये भी नेचुरल, ये नेचुरल नंबर क्या होगा कैसे होगा, n ऐसा रखना है कि ये डिविजिबल बाय 4 हो, तो कैसे होगा यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, नहीं 3 आ सकता, 1-3 तो आ सकता, 3 आ सकता, 7 भी आ सकता, 11 भी आ सकता, मतलब नंबर ऑफ टोन पेजेस या तो 3 हो सकते या तो 7 हो सकते या तो 11 हो सकते, पर देखते हैं क्या हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मान लो कि तीन पेजेस फाड़ते हैं, मिनिमम तीन पेज मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट फाड़ दो 1+2 फिर 3+4 और 5+6, तो जैसे कि उसी का सब कितना आएगा 21, तो मतलब तीन के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि 21 1-0-1 से कम है ना, तो तीन के कॉम्बिनेशन ऐसा तुम निकाल सकते हो कि जिससे 1-0-1 आ जाए, एक दो एक आध कॉम्बिनेशन तुम लोग बता दिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 7 दिया, 5 तो ले नहीं सकते, कई लोग मेरे पास आके बोला कि 3-5-7 कुछ भी हो सकता है, तो 5 तो ले नहीं सकते, देखिए 7 अगर लिया मिनिमम 7 पेजेस मतलब 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक, इसका सम क्या हुआ, ये इसका सम सीधे निकाल सकते हो ना, 14 × 15/2 n × n+1/2 ठीक है, तो 15